हाय मेरे किसान भाइयों नमस्कार आ, मैं आज छोटी सी वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं बताता हूँ कि धान की फसलों में आ, कौन सी खाद डाली जाती है और कौन सी खाद कहिए या कहिए कि खाद कब डालनी चाहिए खाद तो आप जो डालते हैं वही डालिए है, लेकिन खाद कब डालनी चाहिए जैसा दोस्तों मैं किसान हूँ और मैं बता देना चाहता हूँ कि जिसमें आप खाद डालेंगे अपने धान के खेती में इसमें इस तरह खाद डालना है धान के रुपाई के बाद ये देख रहे हैं धान की रोपाई के बाद इसमें जब इसका ग्रोथ शुरू हो पंद्रह पंद्रह दिन के बाद या बीस दिन के बाद पंद्रह दिन मान के चलिए दस या पंद्रह दिन जब बिल्कुल इसके कल शुरू होने चाहिए तो इसमें खाद डाई यूरिया और जो भी आपको दवा मिलानी है उस टाइम मारे ताकि ये ग्रोथ को तुरंत पकड़े और तेज़ी से इसका कलर निकलने लगे और ये ऊपर बढ़ने लगे जी हाँ दोस्तों आप लोग गलती करते हैं कि जब धान की रोपाई होने वाली है तो उसी मिट्टी में आप खाद डाल देते हैं ताकि वो खाद बिल्कुल अंदर चली जाती है छः इंच या सात इंच के भीतर जाने के बाद उस खाद को निकलने में काफ़ी वक्त लग जाता है और इस तरह जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह आप जब खाद मारेंगे इस खेतों में जब इस तरह खेतों में खाद मारेंगे तो तुरंत इसका ग्रोथ चालू हो जाएगा और तेज़ी से ग्रोथ होगा आप देखिए इस तरह हमारे खेतों में ग्रोथ शुरू हो गया जबकि एक ही धान दोस्तों मैं बता देना चाहूँ सिर्फ़ एक वनली एक पीस धान लगाया गया है इसमें वनली एक पीस आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन कला निकला हुआ है देखिए एक दो तीन चार चार हो गया जैसे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह कल सोलह कल इसमें निकले देखिए एक धान से इसका उपाय यही है जो किसान भाई अभी तक खाद ना डाले हों जो किसान भाई इसमें खाद ना डाले हों इसी हिसाब से डालें जी हाँ दोस्तों ये हमारी प्रैक्टिकली कृषि विभाग से है जिसमें हम लोग धान की खेती किए हुए हैं आप देख सकते हैं आप देखिए दोस्तों इसी तरह आप हमारे वीडियो को देखें और छोटी छोटी जानकारियाँ लें जैसे कि आपकी फसलें बहुत अच्छे से तैयार हों धन्यवाद दोस्तों